मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं बहादुर शाह जफर का परपोता हूँ। घाटशिला राजा मेरे पुरखों को लेके छुपाए पूर्वी सिंहभूम और 5,000 एकड़ जमीन भी दी है, जो मेरा दादी को भी नहीं मालूम था मेरे हस्बैंड कौन है ना, सिर्फ राजा को मालूम था। और राजा परिवार में हम गए, डॉक्यूमेंट्स भी लिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। अब मैं यहाँ आया दिल्ली सिर्फ इसलिए आया कि आज जो हमारा कहाँ रहते हैं आप? टाटा जमशेदपुर जी, अभी फिलहाल जमशेदपुर रह रहे हैं। और यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि आज मेरा नस्ल को हिंदू राजा बचाया अंग्रेजों का चंगुल से, और आज नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह हिंदू मुसलमान करके मेरा देश को क्यों तोड़ रहे हैं, जबकि हमारा देश हिंदू मुसलमान का संगम से ही मैंने आज पृथ्वी में नाम कमाने वाला था, आज पूरा पृथ्वी में नाम बदनाम कर दिया। बहुत अफसोस है। NRC CA में क्या है, आपका नियत साफ हो तो कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो जनगणना हुआ है, इसके पहले भी सेंसस हुआ है, इसमें नियत आपका साफ नहीं है। क्योंकि नियत आपका बोल रहा है इससे पहले भी जो हुआ 300 आपका तलाक वाला, बहुत सा स्टेप आप लिया है मुस्लिम एंटी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए महाराणा प्रताप सिंह का सिपाशाला कौन था, मुस्लिम। शिवाजी राव का कौन था सिपाशाला, मुस्लिम। तो वो जो हिंदू और मुस्लिम का मेरा संगम है, ये लोग तोड़ने में लगा हुआ। NRC और CA अगर नियत साफ हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें नियत साफ नहीं है। आप बताइए, एक तो बर्थडे जन्म प्रमाण जो है बर्थडे सर्टिफिकेट लेने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़ता है। कोई भी आदमी है NRC, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इसमें टोटल हिंदू सिख ईसाई जो भी है ना बुद्धिस्ट, वो पेपर जो कंप्लीट करेगा वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से करेगा। मेरा क्षेत्र में तो आदिवासी लोग ऐसा है कि उसके पास कोई पेपर नहीं। मुस्लिम का पेपर इसलिए नहीं है, 64 राइट है जल गया, 79 राइट हुआ जल गया है ना। आप गरीब गुरबा है, घर में पानी घुसा ख़त्म हो गया। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं अभी चेक करवाया चाईबासा, हमारा क्षेत्र का स्ट्रॉन्ग रूम चाईबासा है जहाँ पर रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड से गायब है पुराना रिकॉर्ड गायब है, रजिस्टर है पन्ना फड़ा हुआ। तो ये सब गलत हरकत करने से देश बढ़ेगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, मान सम्मान नहीं मिलेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। क्या देखते हैं आप जो यहाँ पर आए हैं जी? तो यहाँ पर तुर्कमान गेट पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, शाहीन बाग में बैठी हुई हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसे प्रदर्शन? जब तक हमारे जो हमारे देश के मालिक है प्रधानमंत्री जी, जब उनके दिल में ये हमदर्दी आ जाए या मोहन भागवत जी कुछ सोचे देश के बारे, सिर्फ देश के बारे, समाज के बारे नहीं, देश बचेगा समाज बचेगा। अगर देश को बचाना है तो ये लोग को ठंडा दिमाग से सोचने होगा, गुंडाई करके नहीं होगा, लठेत करके नहीं होगा। अगर आप लठेत करोगे, आप 25,000 लठी निकालोगे, दूसरा जगह 1,00,000 निकाल लेगा, तीसरा जगह 2,00,000 निकाल लेगा, तो एक खून खराबा मेरा देश में ना होगा है। जिसको भी चोट लगेगा हमारे ही लगेगा, नुकसान हमारा होगा। तो अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम एक इंच भी नहीं पीछे के संगे ना तो वापिस लेंगे, नहीं तो वो तो नुकसान हो जाएगा। वो जो सोच रहे हैं उससे देश का बहुत बड़ा क्षति होगा, बहुत बड़ा क्षति होगा। आज अगर अमित शाह बोल ले, दूसरा कंट्री वाला लोग बोल देगा हम आपका आदमी नहीं रखेंगे, हम आपको ये सप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सा रास्ता इधर से खुल जाएगा ना। अमित शाह का जरा सा गलती में बहुत सा हमारा देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन रामदास जो बिठावल है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, उनका बयान आया है कि वो इस पर बदलाव के लिए विचार कर सकती है सरकार, CAA में बदलाव के लिए विचार कर सकती है सरकार, उनका ऐसा बयान। ओहो, विचार बोलने से देखिए, जो अच्छा काम है CAA जो लाए हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही लागू हो,
जो आवाम को पसंद हो, आम पब्लिक जिसको समझ ले कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है तो करे। जहाँ पर पब्लिक डिस्प्यूट नहीं होगा, असंतुष्टि नहीं होगा, वो काम करे ना। लोकतंत्र की जो स्थिति है, भारत जो है 10 पायदान नीचे आ गया है, उस पर क्या कहेंगे, क्या रीजन हो सकते हैं ऐसे कि? आज भी मेरा लोकतंत्र पर दुनिया नाज करती है। ये लोग का जरा सा गलती में मेरा लोकतंत्र बदनाम हो रहा। आज भी मैं अपना उदाहरण दिया, मेरा अगर 102 फ्रेंड है तो वो 100% हिंदू दोस्त है, और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, जान देने वाला दोस्त है 100 में 100%। और ये नहीं कि खाली हिंदू में वो ब्राह्मण और पंजाबी और ये और वगैरह वगैरह है, मारवाड़ी है, जिसको मारवाड़ी को लोग गलत बोलते हैं ना, मेरा दोस्त जान देता है मारवाड़ी कौन बोलता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और वो सिर्फ इंसानियत भारत में पाया जाता था और आज भी है, लेकिन उस इंसानियत को ये लोग ख़त्म करना चाहता है। बहुत अफसोस। इन प्रदर्शनों से जो है कि सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है अभी तक? नहीं, सरकार को तो प्रभाव पड़ना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम नागरिक सरकार का, जनता सरकार का। आज जनता सड़क पर है तो सरकार का दायित्व तो है कि जनता क्यों सड़क पर, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आदित्यनाथ कहते हैं आज़ादी के नारे जो लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब देखिए, ये सब एक्चुअली हमारा डेमोक्रेसी में ऐसे लोग को तो उस पद में रहना ही नहीं चाहिए। एक पद का जो गरिमा, पद को जो मैंने नहीं समझे कि हमारा पद क्या और दायित्व क्या है, तो वैसे लोगों को उस पद में रहने का कोई अधिकार ही नहीं हमारा संविधान देता है, ये तो जबरदस्ती रहे वो। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शेख अहमदुल हक उर्फ काजी अहमद, और मैं देश का उन्नति चाहता हूँ। सिर्फ देश का, शुरू से मेरा रिकॉर्ड रहा, मैं देश का हमेशा साथ दिया। मेरा पुरखों तो दिया ही है, मैं भी दिया। मेरा रिकॉर्ड अपना है कि मैं देश के लिए बहुत कुछ किया और भी करूँगा। अभी मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज से पढ़ के नहीं, कुदरत का दिया हुआ ऐसा चीज़ है मेरे दिमाग में। अभी एक चीज़ फिर हमारे ख्वाब में आया, जैसे ये जामा मस्जिद देख रहे हैं, ख्वाब का मस्जिद है, वैसे मेरा एक ख्वाब में आया जो हम देख लिए। अगर वो हम सरकार को दे देंगे, मेरा रघुवर लद्दाश को हम लिख के दिए थे आज से 2 साल पहले, फिर मिले, 10 बार मिले हैं रघुवर दास से, कोई स्टेप लिया नहीं। खाली इतना ही बोला हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल देंगे, है ना, लेकिन कभी बोला नहीं। मैं ऐसा चीज़ अभी खोज किया हूँ सर, सुनिए, ऐसा चीज़ खोज किया हूँ कि अगर वो मेरा देश को दे दे तो बरसात के दिन में जहाँ भी पानी जमा होता है ना, जैसे बस्ती डूब जाता है और बहा लेता है पानी, नहीं जो पानी जमा होगा नहीं, पानी बह जाएगा, मशीन कुछ नहीं लगेगा, खाली ये दिमागी खोज है, थोड़ा सा खर्चा। जो पानी जमा होता है, क्यों जमा होता है, वो बह जाए। तो मैं अभी देश को दूंगा, प्रधानमंत्री जी को कई चिट्ठी लिखे, कोई जवाब नहीं मिला। कि मैंने थोड़ा सा अगर संक्षिप्त रूप से बता सके उस बारे में। देखिए, मैं आपको इशारा कर सकता हूँ, अगर कोई साइंटिस्ट सुन लिया तो कैच कर लेगा, मेरा फॉर्मूला उसके पास चला जाएगा। ये देखिए, कोई भी खोज है ना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, मामूली चीज़ होता है, बस खोजने वाला बड़ा होता है। तो हमारा खोज जो है ना, एकदम बहुत छोटा सर्किट है, पानी जमा नहीं हो, जमा होगा तो पूरा खर्चा हम देंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।